हाय कैसे कम छो, मैं पॉल चौधरी, यू आर वाचिंग पॉल ड्रीमर। सो अभी मैं हूँ खड़की विलेज में। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम खड़की विलेज। आते आते बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो मैंने आते आते बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल व्यू मैंने कैप्चर किए हैं। सो जस्ट लुक सी द सिनेमैटिक वाइब। फ्रेश होने के लिए आया है और पहाड़ी एरिया है तो मज़ा और भी आने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहना क्योंकि वीडियो में पूरे पहाड़ों वाली वाइब होगी। अभी हम फ्रेश होकर एक प्राइवेट स्कूल पर आए हैं जिसका नाम है सर्वोदय परिवार ट्रस्ट खड़की, और यहाँ का प्लेग्राउंड आर्किटेक्चर और डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत है, देखने लायक है। पूरा आदिवासी लुक की तरह बनाया हुआ है सब। सो अब सिनेमैटिक वाइब के साथ इसको एंजॉय कीजिए। To see you cry, let me know that was the reason why it's over. You live a lie. I needed what you gave. It's a gidari. You're everything a living dream. So ये है गिदारी और ये पूरे पत्थरों से ऐसे यूटर्न सा बना है। ऊपर से देखोगे तो कुछ अलग नजारा होगा यहाँ का। सो यहाँ पर मैं 2017 या 18 में आया था, तब से लेकर अभी मैं 2023 में आ रहा हूँ। सो 4 या 5 साल हो गए, तब से अब तक बहुत कुछ चेंज हो चुका है। धूप बहुत ज़्यादा है, ऐसे मानो पूरे पत्थरों से ऐसे बहुत बड़ी दीवार सी बनी है। लाइक इट्स अ मदर ऑफ नेचर। ये गिदारी की खूबसूरती थोड़े और करीब से दिखाते हैं। सो 1 2 3 Until we meet though, falling on my feet though, wait until we meet there. तो अब हम यहाँ से अब निकल रहे हैं अभी। सो हमने यहाँ पर बहुत सारा शूट किया। सो अब हम थोड़ी देर आराम करके फिर विल्सन हिल की ओर निकलेंगे।
सो हम विसलिन पहुंच चुके हैं, काफी खूबसूरत नजारा है, आज पब्लिक भी नहीं है, सो सारा कुछ शूट करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। से एंटर हो गए तो आगे गार्डन है, सनसेट पॉइंट, यहाँ पर पार्किंग है और ये रहा विल्सन हिल का मेन व्यू पॉइंट और आगे एडवेंचर पार्क पॉइंट है। जब हम 2018 में आए थे तब यहाँ पे कुछ नहीं बना था, ऐसे रोड भी नहीं बना था, जब आप विल्सन हिल एंटर करोगे वहाँ भी रोड नहीं बना था, अब सारा कुछ बन चुका है। हम स्कूल डेज में साथ में थे 9th और 10th में, सो हमारा दो दिन पहले हमारी बात हुई कि कुछ काम है, हमारा पर्सनल कुछ काम था और आज का दिन निकल कर हम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। आज विल्सन हिल है तो कल हम बहुत सारे ऐसे जगह पर घूमे और इंजॉय किया, सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हेमंत कैसा लग रहा है आज हम मिले तो? वैसे तो बहुत दिनों बाद हम मिले तो उसी मौके से घूमने को मिला। हाँ यस, बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी मैं खड़ा हूँ एडवेंचर पार्क पे और अंदर क्या 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 कुछ है, क्या कुछ एक्टिविटीज है, सारा कुछ दिखाते हैं, तो लेट्स गो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर काम की चल रही है, कुछ नई एक्टिविटीज आएगी अभी। सो कुछ ऐसा सीन है बैठने के लिए और घूमने के लिए ऐसा गार्डन सा बना है। तो हम मॉनसून में आएंगे यहाँ पर विजिट करेंगे, तब का नज़ारा कुछ और होगा, बहुत बहुत ही कुछ बन जाएगा यहाँ पर। अभी भी कामगिरी चल रही है, सो मॉनसून में हम और अच्छी तरह से आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप आओगे तो यहाँ से आप इधर से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो, जैसे यहाँ से ऐसे पूरा घूम के जाना है और उस साइड पूरे माउंटेन्स का बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा और यहाँ पर आपको ATV राइड मिल जाएगी, जो कि पता नहीं 1 राउंड 2 राउंड का कितना चार्ज है। ऐसे राउंड होकर ये राइड करनी है आपको, आना है तो कर सकते हो अभी भी। ऐसा है एडवेंचर पार्क, आप विजिट कर सकते हो, बहुत ही मजा आएगा। सो कुछ ऐसा है विल्सन हिल, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। सो अभी हम विल्सन हिल से अब निकलने वाले हैं, सो लेट्स गो। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम खड़की विलेज। सो हम कल विल्सन हिल से आए और सोचा था कि आते आते वीडियो को एंड कर देंगे, पर टाइम नहीं मिला तो एंड नहीं हो पाया। सो आज यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में कहीं पर रुककर वीडियो को व्यू के साथ वीडियो को एंड कर देंगे। सो अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम माउंटेन्स। यहाँ पे सनराइज़ व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, सो एक बार आपको सनराइज़ व्यू दिखाते हैं, फिर सीधे आपको रास्ते में मिलते हैं। सो ये रहा सनराइज़, तो हमें उस वाले पहाड़ से होकर ऐसे होकर जाना है। सो लेट्स गो, 1 2 3 स्टार्ट। Let me know that was the reason why it's over. You live a lie. I needed what you gave to me. You're everything, a living dream. I know, not an enemy. So
ये है गिदड़ी का यू टर्न पॉइंट। ऊपर से हम वहाँ पर नीचे थे और ये ऊपर का पॉइंट है, कुछ ऐसा व्यू है। तो मैं यहाँ पर करंदा खाने के लिए रुका था, मुझे बहुत सारे दिखे तो मैं यहाँ पर रुका। सो मैंने बहुत ही मुश्किल से लकड़ी की मदद से मैंने थोड़े करंदे ऊपर से नीचे तोड़े हैं। तो हमारे यहाँ इसे करंदा बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग इसे किस नाम से जानते हो। सो बहुत ही बड़े हैं। तो यहाँ से धर्मपुर अप्रोक्स 20 या 25 किलोमीटर है। सो अब की बार हम मानसून में ज़रूर हम मानसून में अगेन यहाँ पर विजिट करेंगे। सो आज वेदर भी पूरा क्लाउडी है। सो वीडियो का यही प्रण करते हैं। सो कैसे हो, कैम छो, मैं पॉल चौधरी, बी से बी हैप्पी। मिलते हैं कैसे अच्छे कुछ एक्सपीरियंस वीडियो के साथ, नई जगह नई डेस्टिनेशन के साथ। सो बाय।